जियोपटीज, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। एज वी नो ऑल एम्फीबोल्स बिलोंग्स टू आइनोसिल्केट डबल चेन सिल्केट स्ट्रक्चर्स इन विच सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो इज 4:11। एंड हियर यू कैन सी इन द डायग्राम टू सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन चेन आर लिंक टूगेदर एंड फॉर्म स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन एंथोफिलाइट। नाउ कम टू द केमिस्ट्री ऑफ द एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सो जनरल फार्मूला ऑफ द एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल इज A01B2C5T8O22 होल टॉइज ऑफ OH एंड F, वेयर A इंडिकेट्स सोडियम एंड पोटेशियम, B इंडिकेट्स कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम बाईवेलेंट आयरन मैग्नीज एंड लिथियम, C इंडिकेट्स मैग्नीशियम आयरन मैग्नीज एल्युमिनियम टाइटेनियम ट्राईवेलेंट आयरन विच आर सिक्स फोल्ड इन नेचर, D इंडिकेट्स सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम एंड समटाइम्स हाइड्रोक्सिल आयन कैन बी रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन एंड फ्लोरीन। एंड देर आर फोर ब्रॉड डिविजन्स ऑफ एम्फीबोल आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंट कैटायंस इन द बी साइड्स। दीज आर कैल्सिक एम्फीबोल, एल्कली एम्फीबोल, सोडिक कैल्सिक एम्फीबोल्स एंड आयरन मैग्नीशियम मैग्नीज एम्फीबोल्स। एंड द हाइड्रस नेचर इम्प्लाइज एन अपर टेम्परेचर स्टेबिलिटी लिमिट इन द एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सी इन द ट्रायंगुलर डायग्राम कैल्सिक एम्फीबोल्स जनरली हैव कंपोजिशंस फॉलिंग नियर द ट्रीमोलाइट फेरोएक्टिनोलाइट जॉइंट एंड नॉन कैल्सिक एम्फीबोल्स हैव कंपोजिशन नियर द एंथोफिलाइट क्रूनेराइट जॉइंट। एंड नेचुरल एम्फीबोल्स आर नेवर मोर कैल्सिक देन ट्रीमोलाइट फेरोएक्टिनोलाइट। सो दिस ट्रायंगुलर डायग्राम शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्फीबोल्स विच फाउंड इन नेचर। देर आर सेवरल मेजर एम्फीबोल्स लाइक एंथोफिलाइट जेडराइट कमिंगटोनाइट ग्रूनेराइट ट्रीमोलाइट एक्टिनोलाइट हॉर्नब्लेंड ग्लोकोफेन एंड राइबेकाइट। नाउ कम टू द फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सो क्रिस्टल सिस्टम इज ऑर्थोरॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। क्लीवेज इज टू सेट एट 124 डिग्री। क्लियोक्रोइक इन नेचर दैट मीन्स चेंज इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कलर व्हेन स्टेज इज रोटेटेड ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। सो एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स सो क्लियोक्रोइज्म। एंड एक्सटिंक्शन एंगल इज 16 डिग्री। वी नो द एक्सटिंक्शन व्हेन एवर द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द मिनरल कोइंसाइड विद द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर मिनरल विल एक्सटिंक्ट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस करेक्टर वी मेजर द डिफरेंट एक्सटिंक्शन एंगल्स फॉर डिफरेंट मिनरल्स। सो जनरली एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स शो 16 डिग्री एक्सटिंक्शन एंगल एंड दीज मिनरल्स आर बायएक्सियल इन नेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटिंक्शन एम्फीबोल्स क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। वेन एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स शो इंक्लाइन एंड पैरेलल एक्सटिंक्शन दे कैटेगराइज इन टू टू स्ट्रॉन्ग प्लियोक्रोइज्म एंड मॉडरेट टू वीक प्लियोक्रोइज्म। ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग प्लियोक्रोइज्म वेन ब्लू कलर अपियर दैट मिनरल विल बी ग्लोकोफेन। स्ट्रॉन्ग ब्राउन टू रेड कलर अपियर इन द केस ऑफ बेसॉल्टिक और ऑक्सीहॉर्न ब्लेंड। मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर अपियर्स इन द केस ऑफ हॉर्न ब्लेंड। वेन मॉडरेट टू वीक प्लियोक्रोइज्म शोन बाई एम्फीबोल्स दे कंसिडर एज हाई बाई रिफ्रिंजेंस एंड लो बाई रिफ्रिंजेंस। वेन कलर इज ग्रीन इन द केस ऑफ लो बाई रिफ्रिंजेंस मिनरल विल बी एक्टिनोलाइट एंड वेन कलर इज क्लियर दैट मिनरल विल बी ट्रीमोलाइट। कमिंगटोनाइट क्रूनेराइट शो हाई बाई रिफ्रिंजेंस इन द केस ऑफ मॉडरेट टू वीक प्लियोक्रोइज्म। सो दीज आर द डिफरेंट एम्फीबोल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटिंक्शन। नाउ कम टू द पैराजेनेसिस ऑफ एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स।
So first point is, amphibole group of minerals occur in wide range of pressure and temperature conditions and are common constituents of igneous and metamorphic rocks. Amphiboles occur characteristically in plutonic rocks as well as in metamorphic rocks ranging from greenschist to lower granulite facies. Orthorhombic amphiboles are unknown in igneous rocks. Anthophyllite, jadarite occur in a wide range of rocks of metamorphic and metasomatic origin. Metasomatic means where water plays an important role. These are the common products in the reaction zone between ultramafic bodies, serpentinized peridotites, and country rocks. Minerals associated with orthoamphibole are staurolite, calderite, which belongs to relatively low pressure and temperature, garnet, calderite, which belongs to low pressure, high temperature, and others, aluminosilicate, which show high pressure conditions. Fourth point is, higher grades of metamorphism produce the dehydration and breakdown of orthoamphibole to orthopyroxene. Fifth point is, minerals of cummingtonite, grunerite series are rare in the igneous environment. Iron-rich members of cummingtonite, grunerite are common minerals of moderately metamorphosed iron formations. Possible reaction is, ferrodolomite reacts with quartz in the presence of water. It converted into grunerite, calcite, and remaining product is carbon dioxide. Another point is, calcic amphiboles like tremolite, actinolite show considerable departure from tremolite, ferroactinolite member composition by the substitution of aluminium and silicon, with charge balance compensated by either aluminium for magnesium and iron or by sodium in the aside. Tremolite, actinolite are essentially metamorphic minerals and occur in both contact and regionally metamorphosed rocks. Seventh point is, in thermally metamorphosed impure dolomites, tremolite forms early by reaction between dolomite and quartz. Here you can see, when impure dolomite in the presence of water reacts with quartz, it converted into amphibole, and remaining products are calcium carbonate and carbon dioxide. At higher grades of metamorphism, tremolite is unstable, and if SiO2 is still available after the above reaction, the tremolite reacts with calcite to form diopside, which is characteristic mineral in low grade regionally metamorphosed ultra basic rocks. Now come to the 8th point. In andesitic rocks, hornblende is commonly accompanied by olivine. At higher grade metamorphism, upper granulite facies, hornblende is transformed to pyroxene by dehydration. Hornblende in many igneous rocks are secondary in origin and derived from pyroxene. The alteration of pyroxene to fibrous amphibole is described as uralitization. Another point is, alkali amphibole like glaucophane, cyst resulting from metamorphism of basaltic rocks are associated with green cyst and epidote amphibolites. They are referred as blue cyst because of the presence of bluish colored ribeckite. This is characteristic of low temperature, ranges from 100 to 250 degrees Celsius, pressure 4 to 9 kilobar metamorphism. It is formed by the following reactions. When plagioclase, chlorite, tremolite reacts each other, it converted into glaucophane and lawsonite. And when plagioclase, chlorite, epidote reacts each other in the presence of water, glaucophane and lawsonite formed. So as you know, in my previous lecture, I have been discussed about the pyroxene group of minerals,
and today I discussed about the amphibole group of minerals. So both belongs to iono silicate group of minerals. So today also I will talk about the differences between the amphibole and pyroxene group of minerals. So as we know, structure is, in the case of amphibole, double chain where silicon oxygen ratio is 4:11, and in the case of pyroxene, single chain where ratio is 1:3. Lattice, we know by the combination of different unit cells, lattice is formed at the atomic level. So in the case of amphibole, large open spaces are present in the lattice, and in the case of pyroxene, no open spaces. Hydroxyl group present in the case of amphibole, absent in the case of pyroxene. Form, amphiboles are long prismatic, acicular and fibrous. Pyroxenes are salt prismatic. In the cross section, amphiboles are diamond shaped, pyroxenes are nearly square shaped. Cleavage, in the case of amphibole, two set of cleavage is present at 124 degree, and two set of cleavage at 87 degree is present in the case of pyroxene. Bladed forms, common in amphibole, uncommon in pyroxene. Pleochroism, common in amphibole, uncommon in pyroxene. Extinction angle is 16 degree in the case of amphibole, 48 degree in the case of pyroxene. Mode of occurrence, in the case of amphibole, intermediate igneous rocks, common medium grade metamorphosed rocks. In the case of pyroxene, basic and ultra basic igneous rocks, uncommon as metamorphic rocks, high grade. So this is all about the amphibole group of minerals related to their structure, chemistry, optical properties and paragenesis, and at last the differences between amphibole and pyroxene group of minerals. So I hope you enjoyed today's video, and if you like, please subscribe my channel and do share with your friends. Thank you so much.